भगवान के नाम से जाने जाते थे गुरमीत, लेकिन अब बलात्कारी बाबा के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुके हैं राम रहीम, जिनको लेकर हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हर रोज कोई नया व्यक्ति राम रहीम के खिलाफ आकर कुछ न कुछ नया खुलासा कर रहा है। कुछ दिन पहले डेरा की ही एक साधु ने राम रहीम के ऊपर कई आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि कैसे राम रहीम अपने गुफा के अंदर गैर कानूनी काम करता था। उन्होंने ही इसका खुलासा किया कि राम रहीम अपने डेरे में लोगों को मारकर उनकी लाश को दफना देता था या जला देता था। सोचिए कितना पापी था बाबा राम रहीम। राम और रहीम इसके साथ जोड़ना पाप के समान है। आपको बता दें कि खुलासा हुआ कि गुरमीत लाशों को दफनाने के बाद उस पर पेड़ लगा दिया करता था, जिससे किसी को शक नहीं होता था। राम रहीम डेरे के सभी साधुओं को नापुंसक भी बना देता था। वह डेरे पर एक छत्र राज करता था, जो कि उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता उसकी आवाज बंद करवा देता था। इतना खौफ बना रखा था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए उसकी शरण में रहा करते थे। एक इंटरव्यू में एक साध्वी ने राम रहीम डेरे में किए जाने वाले घटिया काम का भी खुलासा किया है। उसने राम रहीम के सभी काले कारनामों को अपनी आंखों से देखा है। साध्वी गुस्से में बताती है कि वह सच्चा सौदा नहीं बल्कि लुच्चा सौदा है। साध्वी ने बताया कि राम रहीम अपने गुफा में बेड पर नंगा लेटा रहता था। इस दौरान उसकी 5-6 लड़कियां मिलकर मालिश किया करती थीं। जो लड़कियां उसकी मालिश किया करती थीं, उनकी उम्र महज 16 से 18 साल के बीच होती थी। केवल यही नहीं, वह लड़कियों के साथ डेरे में नंगा डांस भी किया करता था और इन लड़कियों का इंतजाम हनीप्रीत किया करती थी। लड़कियां बेबस थी, अपने घर वालों को बताती तो घर वाले उल्टा ही उन्हें डांट कर वापस डेरे में भेज दिया करते थे, क्योंकि उसे भगवान मानती थी। यह भी पता चला कि गुफा से एक सीधा रास्ता मिलकर गर्ल हॉस्टल की ओर जाता है। गुफा के अंदर कम उम्र की लड़कियों को जाने की अनुमति थी और यदि उम्र ज्यादा उनकी हुई तो गुफा में जाने की अनुमति नहीं थी। SPN 9 न्यूज़ रूम से अभिषेक की रिपोर्ट।